हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन 2021 एस्पिरेंट के बारे में। यार, काफी सारी अपडेट और बहुत सारी छेड़खानी तो चलती रहती है एनटीए में फिलहाल, तो मैंने सोचा एक बार इस पर बात कर लेते हैं। बिकॉज मैंने इस पर वीडियोज लाना इसलिए बंद कर दिया बिकॉज बहुत ही ज्यादा मजाक चल रहा है भाई, समझ गए बात को। कभी भी कोई भी कुछ भी बोल देता है, देन कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कभी भी कोई भी ब्रोशियर आएगा। तो लेकिन यार बहुत ज्यादा पैनिक था सब में, बहुत सारे व्यूअर्स में, हमारे सब्सक्राइबर्स में। दैट्स व्हाई कि मैंने सोचा कि इस पे अच्छे से ब्रीफ कर देता हूँ सारे वीडियो को लेकर। यार देखो क्या है ना कि रमेश पोखरियाल जी की बात पे ना ज्यादा गौर नहीं करना है, समझ गया बात को। करना क्या है जो भी, और जस्ट यार पेशेंस रखो, है ना। आपके जीवन में, आपके भविष्य में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है ना, कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। या आपको इतना आप मान लो कि एंटी आपके साथ गलत नहीं करेगा, है ना। या आप एक देखो, है ना, आप यार एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का एग्जाम दोगे आप, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एनटीए कंडक्ट करा रहा है। अब देखो यार, जहां पर थोड़ी सी मंत्री जी की एंट्री होती वहां पर तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ यार जिक्र किया ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी स्पीच पे, उनकी चीजों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। देखो यार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, अभी क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया यार? सिलेबस यार बोर्ड का रिड्यूस हुआ था, जेई मेन का नहीं हुआ है। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं यार जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी एनटीए की तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप चाहें, देखो आप पूरा पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हो, इन्होंने जो भी सिलेबस दे रखा है। फिलहाल अभी मैंने कुछ चीजें आइटम ओवरऑल देखी हुई हैं। फिलहाल आई एम नॉट अ ट्यूटर, बट यार मेंटोर हूं, तो इसलिए सारी चीजों से अपडेटेड रहता हूं कि क्या चेंजेस हैं। तो अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ इट, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो यार, अच्छे से चेकआउट कर लो, ठीक है ना। तो यार एक भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और यार जेई की डेट एक्सटेंड कर गई है, तो अभी तक जिसने भी फॉर्म ने अप्लाई किया हो तो प्लीज यार फॉर्म अप्लाई कर देना। बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहता है कि आगे की, मतलब एक मॉक टेस्ट ही समझ के आप दे लो। बिकॉज चार बार जेई हो रहा है ऑलरेडी, मजाक तो चल ही रहा है ना। तो चार बार एग्जाम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चार बार जेई हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चारों बार दे सकते हो। आपको मन है तीन बार दो, आपका मन है दो बार दो। और यार एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कस करना है उसको भी भाई। देखो मैं ऑलरेडी भी एक स्टोरी डाल रखा था। देखो यार अभी जेई की चीजों में लेकर कोई भी चेंजेस नहीं है, बस इतना ही चेंज है कि जेई चार बार हो रहा है, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई भी चेंज, कोई भी वेरिएशन अभी तक फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिला है। इन फ्यूचर अगर कुछ देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, हम आपको जरूर अपडेट देंगे। और जेई और यार जो भी काउंसलिंग के लिए ना, तो अपने पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी आपको, अगर आप चैनल चेकआउट करते हो। यार बहुत ही जल्द हम आपको कॉलेज रिव्यू वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस कॉलेज पर क्या रिव्यू चाहिए यार, मतलब कि कौन कौन से कॉलेज पर ज्यादा आप लोग डिमांड करते हो। देखो वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, ऑन कैंपस टूर करेंगे और स्टूडेंट रिव्यू भी किए जाएंगे। तो एकदम टेंशन फ्री रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस मैं बोलूंगा कि यार अच्छे से स्टडी करते रहो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, पोखरियाल जी को मत देखो, ठीक है ना। जो भी देखना है उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख लो यार, लेकिन स्पीच सुनोगे ना तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इतना कंफ्यूजन कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब यार उस चीज को देखो, कहना कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में फिर से एक बार चीजों में क्लेरिफिकेशन ला देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी चेंज नहीं है। अब कोई भी चेंज नहीं का मतलब, जैसे 2020 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 70% का रूल हट गया था, समझ गया। वैसे 75% और टॉप 20% का रूल होता है बेसिकली, तो वो रूल हटा दिया गया था बिकॉज कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक साथ उनको मिनिमाइज किया जाएगा, तो दैट्स व्हाई को फंडा रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अब इस बार भी रिमूव कर दिया गया, 75% का जो क्राइटेरिया है या टॉप 20% का क्राइटेरिया है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और यार मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अपनी स्टडी पर फोकस रखो बच्चों, क्योंकि कहना कि अगर आपने थोड़ा सा अपने चीजों में डाइवर्जन लाया ना, दो दिन गेम पे गेम खेला जाता है ना। पिछले दो सालों से मुझे ये चीज बहुत मतलब हर्ट करती है यार। आप एटलीस्ट बच्चों की चीजों में तो फोकस भी मैच्योर, मतलब समझो ना, थोड़ा सिंसियर रहो यार आप। हाँ, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, देन उसके बाद भी कुछ ना कुछ मतलब
कमिटमेंट या मतलब कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है यार, ट्रेंडिंग पे रहते हैं। ठीक है, तो देखो यार फोकस करो अपने स्टडी पर यार। फैक्ट वाली बात मैं ये बताऊं कि जोसा जो है हमारी जो जो जेई मेन और जेई एडवांस की जो हमारी कंसल्टिंग एजेंसी है जो कि काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट बॉडी है और जिसमें कि कभी भी सेपरेट सेपरेट काउंसलिंग नहीं हुई है। जेई मेन और जेई एडवांस की जोसा में सेपरेट काउंसलिंग नहीं होती है, हमेशा पिछले 5 सालों से, तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है, कि हमेशा से कंबाइंड काउंसलिंग होती आई है और आई होप आगे भी कंबाइंड ही काउंसलिंग होगी जेई मेन और जेई एडवांस की। उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी, अलग से फिल्टर वो लोग डाल ही नहीं सकते, बिकॉज इनके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, बिकॉज ये अपना पार्ट बहुत ही क्लेरिफाई आपको हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इस पे समझ में है। पहला ये कि अगर हम जेई एडवांस क्वालिफाई हैं, देन हमारे चॉइस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग एक पार्ट है काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, तो देन वहां पे आपको आईआईटीज के ऑप्शन आ जाएंगे अगर हम जेई एडवांस क्वालिफाई हैं। इन केस अगर हम जेई एडवांस क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे में हम सिर्फ मेन हमने अपियर कर रखा है, तो मेन में NITs, IIITs, GPTs, CPTs सारे आ जाएंगे। अब उसका मीनिंग ये नहीं है कि हमको क्वालिफाई ही होना चाहिए, विदाउट क्वालिफाई हुए भी हम JEE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, और यार अच्छे से अपना ख्याल रखो, स्टडी पर फोकस करो यार। रैंक लाना है ना, तो देन कोई भी अच्छा ट्यूटर को फॉलो करो, अगर आपको मेंटर से प्रोग्राम चाहिए, आपको अगर कुछ भी काउंसलिंग रिगार्डिंग गाइडलाइन चाहिए ना कि सर किसकी कितनी कट ऑफ जाती है, हम आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे ट्यूटर हैं यार, सौरभ मौर्या सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ो, फिजिक्स पल्ला वाले सर, अरे बहुत सारे यार यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिल जाएगा ना, फ्री में फ्री कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छा। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा सौरभ मौर्या सर को, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल पे, तो जाओ अच्छे से जाके अपना यार उनका चैनल वगैरह देखो, बहुत सारी वीडियोज है और वहां पर जो आपको ज्ञान और मतलब रिवीजन वगैरह लाते रहते हैं सारा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।